खबर है उत्तराखंड के लक्सर से। प्रवासी मजदूरों ने खाना खाने से किया मना। लक्सर से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों को लक्सर प्रशासन ने लक्सर के युवराज पैलेस में रोककर उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ है। इन प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। लक्सर के युवराज पैलेस में करीब 60 प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं, जिनके रहने खाने का सभी बंदोबस्त लक्सर प्रशासन द्वारा किया गया है। समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जा रही है, लेकिन अपनों की याद ने इन मजदूरों को इतना परेशान कर दिया है कि वह आज हंगामे पर उतर आए और उन्होंने यह कहकर खाना छोड़ दिया कि हमें खाना नहीं चाहिए बल्कि हमें अपने घर जाना है। प्रशासनिक अमला उन्हें बार बार मनाता रहा, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों ने खाना नहीं खाया। मामला रविवार शाम का है। मामले की जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए लक्सर के विकास खंड अधिकारी को दी गई। विकास खंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने खाना नहीं खाया। हमने मौके पर पहुंचकर खंड विकास अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि जब तक शासन से कोई अंतिम निर्देश नहीं मिलता तब तक इन लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। हमने सभी लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, किसी को किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। हमारी और पता नहीं कब तक रखे हैं, क्योंकि सर सबसे पहले जो भी आता है डिस्टेंस के बारे में बात करता है। सर मान लिया डिस्टेंस के बारे में बात करता तो सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस एक बार अंदर जाकर देख सकते हो आप। एक एक लैब में तीन तीन बंदे सोते हैं, ये कैसा डिस्टेंस है? बाहर तो चलो जगह है, डिस्टेंस बना लेते हैं बंदे, लेकिन अंदर कैसे जगह बनाएंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, ये बताओ सर आप। खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है, खाना टाइम से नहीं ला कर देते कोई भी, और फिर दूसरी बात यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ बंद कर दी हैं। दिन भर पानी चलता था और लाइट वाइट पूरे दिन बंद रहती है। एक ही टैंकी 1000 लीटर का टैंक है, 60 आदमी है सर। बिजली बिजली पंखे सारे बंद कर देते हैं, सब परेशानियाँ हैं यहाँ पे, और हमारे बच्चे वहाँ परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हैं। हमारी फसलें कटने को तैयार हैं सर, सब पड़ी हैं ऐसे ही सर। आप 15 दिन हमें खिला सकते हो, लेकिन हमारी पूरे साल भर का, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का कौन करेगा सर? क्या किया जाए? और भाई जो था ना वो निधन होने वाला है, हो सके सुबह तक, मैंने अभी तक कॉल करेंगे तो कहीं हो सकता है, नहीं खत्म नहीं हो गया। इसी शोक में मैं खाना पीना लिया हूँ सर, मैं आंख से आंसू जा रहा हूँ। कहता है बाबे तू ने रिएक्शन लिया, हम कोई रिएक्शन नहीं लिया, हमको घर तक व्यवस्था किया जाए, मैं यही कहकर मैं सर घर जाने के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो कि हम परिवार 5 है, ठीक है, उसके बाद हम कमाने वाले 1 ही हैं। उसके बाद 1000 रुपये मोदी दे रहा है, 1000 रुपये में मतलब 10 दिन चल सकता है। उसके बाद घर में जो मतलब यहाँ तो हम खाना खा रहे हैं मगर घर में कैसे चलेगा, उसके वजह से हम यहाँ मतलब सोच रहे हैं कि मतलब घर जाएंगे, कुछ मतलब वहाँ कमाएंगे तभी तो हम खाना परिवार को खिला सकते हैं। लेंगे, समझा देंगे, वैसे मैंने भी इनको अपनी तरफ से समझा दिया है। और यहाँ पे हम अपनी तरफ से, ये जो ज़्यादा बोल रहा है जिस पे कपड़े नहीं थे, मैंने इसको कल बाजार में तो कपड़े कहीं मिल नहीं रहे, मैंने अपना कुर्ता पजामा ला के दिया, तो हम तो इनकी सारी सुविधाएँ दे रहे हैं इनको। देखो इसमें आजकल में क्या निर्णय लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो उनका निर्णय होगा वही जो है सर्वोपरि है, सबको मानना पड़ेगा। और इनको भी जनहित में, देश हित में जो है ये अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए कि हमें घर भेजो, जब लॉकडाउन खुलेगा उसी के बाद इनको घर भेजा जा सके।